हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं जेई 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारे सामने। करंट डेंसिटी ऑफ सिलेंड्रिकल वायर ऑफ रेडियस 4 mm इज 4 × 10⁻⁶ एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। द करंट थ्रू द आउटर पोर्शन ऑफ द वायर बिटवीन द रेडियल डिस्टेंस आर इक्वल टू R/2 टू R इक्वल टू कैपिटल R, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि जो सिलेंड्रिकल वायर है, ओके, जस्ट अ मिनट, जो सिलेंड्रिकल वायर है इसका जो आउटर पोर्शन है ये हमारे पास में सिलेंड्रिकल वायर है, और इस सिलेंड्रिकल वायर का रेडियस हमारे पास में R गिवन है ना, ये इसका एक्सिस है। तो यहाँ से R उसका रेडियस हमारे पास गिवन है, पर हमको R/2 का आउटर पोर्शन जो है, R/2 से R के बीच का जो आउटर पोर्शन है उसी से करंट कितना पास हो रहा है। जैसे यहाँ पर जो इसको हम थोड़ा दूसरा कलर ले लेते हैं तो हमको समझ में अच्छे से आएगा, है ना, रेड कलर ले लेते हैं। तो ये जो आउटर पोर्शन आपको दिख रहा है इससे कितना करंट पास होगा वो हमको फाइंड करना है। तो हमारे पास सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, करंट आई इज इक्वल टू जे इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये जो बाहर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उससे करंट उसका एरिया कितना है वो हमको फाइंड करना पड़ेगा। तो एरिया इज इक्वल टू पाई पूरा एरिया माइनस अंदर का एरिया, तो R/2 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ओके। तो ये हमको जो शेडेड एरिया है उसका एरिया हमको पता चल गया। तो a इज इक्वल टू पाई, इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा R² - R² / 4, ओके, ब्रैकेट हमको यहाँ लगा देना है पाई, और ये हो जाएगा 3R² / 4, ओके। और r का वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, r का वैल्यू यहाँ पर दे रखा है 4 mm, तो यहाँ पर हमारे पास में आएगा π/4 × 3, और r का वैल्यू कितना है 4 × 10⁻³, क्योंकि हमको इस mm को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। तो जो रेडियस r है वो है 4 mm, है ना। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 4 × 10⁻³ का हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अल्टीमेट हमको कितना मिला, हमको मिला 3π/4 × ये हो जाएगा 16 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर। अब हम करंट की बात करेंगे तो J इंटू ए, जे का वैल्यू हमारे पास में कितना है 4 × 10⁻⁶, ओके, इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना अभी हमने फाइंड किया, दैट इज 3π/4 × 16 × 10⁻⁶। तो यहाँ 10⁻⁶ से 10⁻⁶ कैंसिल हो जाएगा, ये 4 से 4 भी यहाँ कैंसिल हो जाएगा, हमको मिलेगा 3 × 16 π, दैट इज इक्वल टू 48 π, ओके। और यहाँ पर हमारा आंसर होगा 48 π, तो यहाँ पर गिवन है आंसर में, दैट इज एम्पियर, ओके। तो आंसर है यहाँ पर 48। थैंक यू वेरी मच।